will hunt you down. हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब ये क्या हुआ, हेटर्स को करारा जवाब। मतलब जो मूवी अभी सरवाइव कर रही थी बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी थी, सैटरडे में अच्छी खासी उछाल और जबरदस्त उछाल। देखो टाइगर थ्री जब से आई है मूवी के रिव्यू अच्छे खासे मिले हैं, पॉजिटिव भी मिले हैं और कुछ जगह क्रिटिक्स भी आए हैं, कमियां भी निकाली गई हैं, लेकिन उसके बाद भी मूवी जैसे ना तैसे सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर फाड़ करते हुए आगे बढ़ रही है। बॉक्स ऑफिस में कितनी क्या बात हुई है भाई वो सब देखेंगे। होता यह है कि बॉक्स ऑफिस के रुझान जब आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन जब हमें ऊपर देखने को मिलती है, तो ऑडियंस पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई कुछ तो होगा ऐसा इस मूवी में, चलो देखते हैं। तो जो बॉक्स ऑफिस अभी वर्किंग डेज में बहुत डाउन चल रहा था, जहाँ से ट्रस्ट खत्म हो रहा था ऑडियंस का और थिएटर भी नहीं जा रही थी पब्लिक, लेकिन अब सैटरडे और संडे में जो उछाल देखने को मिली है, मतलब कल जो तबाही देखने को मिली है जबरदस्त। डिटेल टू डिटेल बात करेंगे भाई साहब, कितना कलेक्शन ये मूवी अभी तक कर चुकी है और कितना कलेक्शन करने वाली है, जो भी होगा सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा टाइगर थ्री को मनीष शर्मा के डायरेक्शन में एक भारी भरकम बजट के साथ कंप्लीट कराया गया था 250 करोड़ के, जो इसने रिकवरी तो कर ली है और मूवी से उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग में लगभग 1000 करोड़ तो ये बिजनेस करके ही जाएगी, क्योंकि वायरअप जो एफर्ट मार रहा था, वायरअप जो प्रमोशंस कर रहा था जबरदस्त लेवल पे कर रहा था, पठान से कहीं ज़्यादा इसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पठान स्टिल 1000 करोड़ पर है, टाइगर थ्री में भी नहीं पहुंच पाएगी। सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन पहले परसों मतलब पहले 13 दिन में कितनी कलेक्शन इस मूवी ने कर ली है, परसों तक एंड ऑफ द डे तक उस पर बात करेंगे। तो पहले 13 दिन में इस मूवी ने नेट इंडिया से 260 करोड़ कर लिए हैं कंप्लीट, मतलब परसों एंड ऑफ द डे तक। ग्रॉस कलेक्शन 316 करोड़, ओवरसीज से 111 करोड़ आ चुका था। टाइगर जिंदा है का ओवरसीज से कलेक्शन है 119 करोड़ के आसपास, तो ये मूवी आज संडे तक 119 करोड़ साइज बिल्ड डाउन कर जाएगी। देखो क्या होता है, पूरी दुनिया से ये मूवी परसों एंड ऑफ द डे तक 427 करोड़ के आसपास आ चुका था। बात करें कल डे 14 यानी सैटरडे, कल का दिन कैसा रहा, क्योंकि कल बहुत लोग एक्टिव रहते हैं कि भाई सैटरडे में अगर ये मूवी उछाल मार गई वीकेंड पर, सैटरडे या संडे पर, तो यस इसमें कुछ खास बात है, लोग इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वर्किंग डेज में हर किसी मूवी की ग्रोथ डाउन ही डाउन जाती है, लेकिन टाइगर थ्री की बहुत पहले ही डाउन जा चुकी है। कल डे 14 में नेट इंडिया से रहा है 5 करोड़ 80 लाख, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 5 करोड़ 70 लाख के आसपास से कमाते दिख रही है। साउथ बेल्ट में इसकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है और साउथ बेल्ट में इतना बॉलीवुड की मूवी को भाव मिलता भी नहीं है। सिर्फ जवान एक ऐसी मूवी थी जिसने साउथ बेल्ट में बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, बहुत अच्छा, और ग्रॉस कलेक्शन ये मूवी का एंड ऑफ द डे तक 7 करोड़, ओवरसीज से 5 करोड़ आता दिखा है कल एंड ऑफ द डे तक, और जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला। ये सब अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट है, फ्लेक्सिबल है, ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तब उसके बारे में अलग से बात करी जाएगी। पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 12 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लेती है, तो भाई साहब ह्यूज कलेक्शन है। कल एंड ऑफ द डे तक इस मूवी ने पूरी दुनिया से लगभग में लगभग 440 या 439 करोड़ के आसपास कवरअप कर लिया था अपने खाते में। बात करें आज डे 15 में, मतलब आज संडे है भाई, संडे में तो उछाल जानी ही जानी चाहिए, बट संडे का क्रिटिकल पीक डाउन पॉइंट कहाँ देखने को मिलता है, इवनिंग टू नाइट में, मतलब नाइट में की ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है। होता इसलिए भी क्योंकि मंडे से वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है, तो लोग संडे को तो खैर रात में इतनी देर तक नहीं जगेंगे, सैटरडे में नाइट में अप रहती है, जिसकी वजह से कल सैटरडे एंड तक ये मूवी की प्रिडिक्शन अराउंड में अराउंड 5 करोड़ के आसपास करी जा रही थी, लेकिन भाई जब नाइट की ऑक्यूपेंसी आई है, इस मूवी ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया और जबरदस्त कलेक्शन लेके आई है। तो आज डे 15 में कैसा कलेक्शन है वो देखते हैं। तो आज नेट इंडिया से ये मूवी एंड ऑफ द डे तक इजी टू इजी 6 करोड़ अपने खाते में लेते नजर आ रही है, क्योंकि मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग में बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रही है। ओवरऑल 15% के आसपास ये मूवी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ रन कर रही है थिएटर हाउस में, और कुछ एक जगह में भी हाउसफुल के नज़ारे शो होते भी नजर आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया से आज ये मूवी कितना कलेक्शन करते नजर आ रही है भाई साहब, आज भी ओवरसीज से लगभग में लगभग 4.5 से 5 करोड़ ये मूवी कमाते दिख रही है। तो पूरी दुनिया से आज एंड ऑफ द डे तक 13 करोड़ कमाते दिखेगी। तो आज एंड ऑफ द डे तक मतलब पहले 15 दिन में ये मूवी नेट इंडिया से कितना कलेक्शन कर लेगी, ईजी टू ईजी 270 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार लेगी, पूरी दुनिया से 450 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी। तो भाई अब ये मूवी जबरदस्त ग्रोथ कर रही है और बाय गॉड ये आने वाले वर्किंग डेज में भी अच्छी खासी कमाई देखने को मिल जाएगी।
एक दिसंबर से पहले पहले अगर ये मूवी 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाती तो इसके लिए ह्यूज ह्यूज कलेक्शन रहेगा, वरना 1 दिसंबर के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मूवी बिल्कुल चलने वाली है, क्योंकि ये डेड हो जाएगी। एनिमल को फाड़ के रेस्पॉन्स मिल रहा है जबरदस्त, के साथ अगर एनिमल से अगर थोड़ा सा भी ध्यान हट रहा है तो भाई विकी कौशल की सैम बहादुर मूवी आ रही है, वो मूवी भी कोई कम आग नहीं मूत रही है, जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी भी एडवांस बुकिंग अच्छी खासी चल रही है, लेकिन एनिमल की बहुत फाड़ लेवल पर चल रही है। तो ये मूवी हो सकता है 300 करोड़ के क्लब में नेट इंडिया से एंट्री मार जाए, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया से कितना कलेक्शन कर सकती है, मे बी 500 करोड़ पे ये मूवी इजी टू इजी टच कर ही जाएगी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।